अस्सलाम वालेकुम। सेहत और ज़िंदगी के नए एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्सक्लूसिवली मर्दों के लिए है। आपको पता है कि जो जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कुछ हमारे बॉडी के आर्गन ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई जो ना मसला पैदा होता रहता है। उनमें से एक आर्गन है, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आस्ता आस्ता जो ना इसका जो ना जब 40 से ऊपर हम जाते हैं तो इसकी जो ना बढ़ोतरी होती रहती है, इसकी ग्रोथ होती रहती है। ये बिनाइन ग्रोथ होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ये बहुत कॉमन है। और इसके साथ जो दूसरा टॉपिक है इसके साथ रिलेटेड है वो प्रोस्टेट कैंसर। इसी प्रोस्टेट की एक तो जो ना बिनाइन हाइपरट्रॉफी हो जाती है और कई दफ़ा यही जो ना इस कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ बहुत बड़े एक सर्जन कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट बैठे हुए, मैं इनका तारफ़ कराता हूँ। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नाजरीन, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, डॉक्टर सईद हुरैस साहब काफ़ी अरसे से यूके में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम करते रहे, आजकल ये बार्ट्स में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सऊदी अरब में भी काम किया और इनके पास 20-25 साल का यूरोलॉजी का एज ए सर्जन एक्सपीरियंस है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने इतने अच्छे मौसम में, जबकि लोग जो ना सारे एंजॉय कर रहे हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये काइंडली आज तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले हमें ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि मसाने के मुँह पर होता है, आप उसको कह लें कि मुँह पे है। जी जी। और वो जो पेशाब की नाली होती है उसके गिर्द गिर्द होता है और ये सिर्फ मर्दों में होता है। अच्छा अच्छा। खवातीन में ये नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका जो ये कि वैसे तो काम जो है बुनियादी तौर पे वो ये कि तौलीदी मादा जो है उसमें इसका हिस्सा होता है और जो तौलीदी जरसू में होते हैं उसमें ये इसके सिक्रीशंस जो हैं उसको न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे इसका काम है। और ये कि जब इससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं तो वो उसके बारे में हम तभी डिस्कस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जहाँ से वो पेशाब की नाली निकलती है मसाले से वहाँ पर होता है, ये पैदाइश के वक़्त से पे होता है कि या ये बाद में डिवेल्प होता है जब हमारी वो बलोगत शुरू होती है? वो होता तो पैदाइश के वक्त भी मौजूद होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये कि जब बलूगत पे पहुंचते हैं तो उस वक्त वो एक एडल्ट साइज का हो जाता है। उसकी जो ज़ाहिर है कि ग्रोथ है वो मेल सेक्स हार्मोन पे डिपेंडेंट होती है। अच्छा अच्छा। और जैसे वी रीच द एडल्टहुड तो वो ज़ाहिर है कि ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की और इन सब की एक देयर इज अ बिग बर्स्ट ऑफ दैट and that results in the sort of growth of the prostate gland to an adult size. ठीक। तो वो जब ये कि बलूगत के साथ ज़ाहिर है कि और भी दूसरी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, जैसे कद का बढ़ना, जिस्म का ओवरऑल बढ़ना, जी जी, मुख्तलिफ जगहों पर बाल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है वो प्रोस्टेट जो है वो एक डोरमेंट सी सिचुएशन से जो है ग्रोज़ अप टू एन एडल्ट साइज़। एडल्ट साइज़ और अपना वो नॉर्मल फंक्शन जो है टेक करना शुरू कर देता है। ठीक है सर। अगर किसी बंदे में किसी वजह से ये कि वो चीज़ ना हो, प्रोस्टेट ग्लैंड ना हो, नहीं नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड तो सब में होता है, सारे मेल बच्चों में होता है, जी जी, लेकिन ये कि अगर किसी वजह से जैसे कुछ लोग यूनिक्स होते हैं तो उनमें अगर ये कि टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं हो रहा या उनको रोक दिया गया है किसी वजह से, तो वो फिर उस सूरत में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड डेवलप नहीं होता। नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। आई मीन वो उधर मौजूद तो है लेकिन फंक्शन वो उस तरह नहीं कर रहा नहीं करेगा काम करना था। उसके लिए इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, आपने बड़े खूबसूरत से बताया कि ये किस उम्र में जाके यूजली जो ना इसकी जो ना वो हाइपरट्रॉफी वो शुरू हो जाती है? नॉर्मली जो है वो हाइपरट्रॉफी तो ये कि तकरीबन 40 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये कि वो हर शख्स में एक जैसी नहीं होती। अच्छा। ना उससे प्रॉब्लम्स एक जैसी होती हैं।
अच्छा अच्छा तो ये है कि अब जाहिर है कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन मेल है मेल और उन सबको तो ये प्रॉब्लम नहीं होती नहीं होता। तो ये कि वैसे एक सर्टन एज के बाद ये कॉमनली होता है, होता है, लेकिन जिनमें होता है उनको कॉमन कह लें आप, लेकिन ये कि ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें तो बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। नाजरीन, हमारा नंबर स्क्रीन पर आप आ रहा होगा, आपका कोई भी सवाल हो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, और हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका किडनीज के बारे में कोई सवाल हो, आपका ब्लेडर के बारे में कोई सवाल हो, किडनी कैंसर के बारे में, ब्लेडर के कैंसर के बारे में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह जो ना एक पेशेंट को पता चलेगा कि कौन सी वो अलामत होंगी जो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी? यूजुअली तो यही होता है कि वो मरीज़ों को वो उनको पेशाब करने में जो है वो दिक्कत महसूस होती है, वो पेशाब का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये कि पेशाब बार बार आने लगता है, बार बार आने लगता है, और ये कि महसूस होता है कि जब आप पेशाब करने के लिए जाएं तो मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। राइट। फिर ये कि कभी कभी आप रात में भी उठने लगते हैं एक से ज़्यादा मरतबा। नॉर्मली तो आदमी ये कि जब सो जाता है तो फिर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में ही फारिग होते हैं, लेकिन ये कि ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें ये होता है कि रात को जो है वो पेशाब एक से ज़्यादा मरतबा उठना पड़ता है उसके लिए। इसके अलावा ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है एक सूरत हाल ये पैदा हो जाती है कि जब आपको पेशाब लगने लगता है तो आपको फौरी जाना पड़ता है। अच्छा, अर्जेंसी जिसे कहते हैं, अर्जेंसी जिसे कहते हैं, और अगर वो आप ना जाएं तो इसका इम्कान है, एहतमाल है कि वो पेशाब थोड़ा सा निकल भी जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये सारी अलामत होती हैं जो नॉर्मली लोगों में होती हैं राइट, जब इस किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है तो। और जिस तरह आप फरमा रहे थे कि मुख्तलिफ लोगों में हो सकता है आधे आधे इनमें से अलामत हों या सारी अलामत हों या चंद एक हों। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि सारी मौजूद हों, मौजूद हों, उसमें से कोई एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। राइट। ये ज़रूरी नहीं कि सारी अलामत मौजूद हों। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा जो है नॉर्मली थोड़ा एडवांस स्टेज में ही होता है कि वो सारी अलामत मौजूद हों। यूजुअली लोगों को जो है वो ये शिकायत होती है कि वो पेशाब खुल कर नहीं आता। अच्छा, और अच्छा, मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता। ये नॉर्मली होता है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट है तो वो इलाज ना करवाए तो फिर क्या इससे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? बाद में फिर हम आते हैं डायग्नोसिस की तरफ भी। कॉम्प्लिकेशन इसका तो क्यों ज़रूरी है कि जो ना इसका जो ना वो डॉक्टर की कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी के समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर पेशाब पूरी तरह नहीं आता है, मसाने में पेशाब ठहरा रहता है, तो वो एक तरह से उसमें इन्फेक्शन होना बड़ा अच्छा कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है, उसके बड़ी आसानी से हो सकता है। अच्छा, इसलिए कि कोई भी ये कि स्टैग्नेंट वाटर है किसी भी सूरत में कहीं भी जी जी। तो उसमें ये कि जरासीम दाखिल हो सकते हैं। एक तो ये हो गया कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाए कि वो बिल्कुल पेशाब कर ही ना सके। अच्छा अच्छा, एक्यूट रिटेंशन। अच्छा अच्छा। तीसरी बात ये हो सकती है कि एक्यूट रिटेंशन ना भी हो तो उसमें ये हो सकता है कि जो मसाना है उसमें हर वक्त क्योंकि पेशाब जमा रहता है तो उसका बैक प्रेशर जो है वो गुर्दों तक पहुंच सकता अच्छा, है। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। उसको भी ये कि डैमेज कर सकते हैं और रीनल फेलियर कैन सेट इन देयर। ये तो तीन सॉर्ट ऑफ मेजर जो ना जो बुनियादी जो फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो होते हैं। इसके अलावा ये कि अगर मसाने में आपको एक तरह से क्रॉनिक रिटेंशन वाली सूरत है जहाँ आप मसाना खाली नहीं कर सकते प्रॉपरली तो उसमें ये कि कभी कभी स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाता हो है। अच्छा, स्टोन अच्छा, अच्छा। फॉर्मेशन की वजह से खून भी आने लगता है। जी नाजरीन, आपने सुना कि इस अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो अगर उसको बर वक्त डॉक्टर साहब से रजू ना किया जाए तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद मैं थोड़ा सा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी आपको सब सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अल्लाह बरकात हो जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, काफी मालूमात मिलती हैं जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैं मेरा एक प्रॉब्लम है जी जी, मेरे टांगों में और टांगों के ऊपर हिस्से में बिना नीडल चुभते रहते हैं जी। मेरी बहन आप मानने की आपकी उम्र कितनी है? 63। 63, ठीक है। और आपकी आवाज़ तो बहुत यंग लग रही है, इसलिए मैं पूछना पड़ा। ये बताएं कि आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज नहीं है, थायराइड है। अच्छा, और वो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो इसके लिए दवाई बकायदगी से ले रहे हैं? जी। ठीक है, और आपकी फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं है ब्लड? नहीं। ठीक है, तो लेकिन आप बकायदगी से अपनी ब्लड शुगर चेक करवाते हैं? वो तो ब्लड टेस्ट होता है हर 6 मंथ के बाद। ठीक है, और ये बताइए कि ये पिंस और नीडल्स आपकी जो लेग्स में, ये कब से हो रही हैं? तकरीबन 2 महीने से। चलें ठीक है, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ दूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी हजूर, इस प्रोग्राम में लोग जो ना हर एक टॉपिक पर जो ना वो बात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो आप काइंडली जो ना उनको गाइड कीजिए कि हाइपरटेंसिव है और डायबिटिक नहीं है। मैंने वो आपके सामने ही पूछ लिया, डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक नहीं है, और वो बाकायदगी से चेक भी करवाते रहते हैं। अब ये कि ये जो पिंस एंड नीडल्स वाला मामला है, ये तो यूजुअली एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी जी, नर्व्स के साथ प्रॉब्लम है इनकी, या तो ये कि बैक में कोई नर्व इम्पिंज हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है आर्थराइटिस वगैरह की वजह से, या ये कि किसी और जगह पे वो नर्व जो है वो जाके वो हो रहा है। वैसे यूजुअली ये इस किस्म की जो अलामत हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में होती हैं, और वो डायबिटीज़ में ये कि खासा एडवांस केसेस में होती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उन्होंने यानी ये कि इसको चेक करवाया है, या ये कि महज एक मफरूजा है कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो ब्लड तो उस सूरत में मेरे ख्याल से इनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। मगर अलामत तो बहरहाल यही हैं कि वो न्यूरोलॉजिकल वो है, उसमें ज़ाहिर है कि मेरा दखल तो बहुत कम है। जी मेरी बहन, हमारा टॉपिक आज का है कि प्रोस्टेट बिनाइन हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम लग रहा है कि वो न्यूरोलॉजिकल लग रहा है, कि आप अपने GP के पास जाएँ, GP को बोलें कि वो आपको जो ना जो कंसर्नड वो स्पेशलिटी है उनकी तरफ वो जो ना रेफ़र करेंगे, वो चेक करेंगे कि आपको कोई बैक का प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि हमारी जो नर्व्स है ये बैक से ज़्यादातर निकलती हैं, और फिर कहीं भी रास्ते में या जहाँ से वो उनका ऑरिजन होता है, कहीं से भी उनको जो ना को इम्पिंजमेंट में हो रही है, उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा है कहीं डिस्क की तरफ से या कुछ और हो सकता है, तो वो इसको जो ना ये एक मैथमेटिक्स की तरह है कि वो आपका वो टेरिटरी चेक करके कहाँ पर आपको वो पिंस एंड नीडल्स होती हैं, तो वो पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कौन सी नर्व्स जो ना वो ये प्रॉब्लम कर रही है। जी डॉक्टर साहब जी, नाजरीन मैं हम आप अपना वो टॉपिक जारी रखेंगे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, कि अगर उसकी जो गदूद है जो मसाना के नेक के ऊपर होती है, अगर वो किस वजह से बढ़ गई है, तो उस वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा कि मसाने के अंदर पेशाब ज़्यादा देर रुकना शुरू हो जाएगा, जो कि ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। फिर इसके अलावा बैकवर्ड प्रेशर जो ना वो जा सकता है, किडनीज को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अगर ज़्यादातर वो उधर यूरिन रहता है, तो फिर उसके लिए हमें जो ना एक वो उसको कैथेटराइज करना पड़ता है। और इसके अलावा स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, अगर स्टोन फॉर्मेशन होगी उसके वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि खून के पेशाब के ज़रिए आ सकती है। तो इसलिए इस बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के साइंस और सिम्टम जो अलामत डॉक्टर साहब ने बताई हैं, इनको जहन में रखिएगा। अल्लाह ना करे किसी भी हमारे भाई को, किसी भी हमारे पेशेंट को, किसी भी हमारे व्यूअर को ये प्रॉब्लम हो, तो उनको और ये मर्दों के लिए है सिर्फ, कि वो जो ना अपने GP के पास जाएं और प्रॉपर जो ना फिर उसको चेकअप करवाएं। जी डॉक्टर साहब, कल ये बताइए अभी कि हम अब डायग्नोज किस तरह करेंगे? पहली बात तो ये कि आप अपने मरीजों को जो है ना बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। नहीं 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 सर, मैं असल में जो ना ये ऐसी 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 कोई मसला नहीं है जिसके लिए आप इस किस्म की बातें करें कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उसकी वजह ये है कि मैं खैर बहरहाल सुन रहे हैं आप जी, जी। क्या सवाल था आपका? डायग्नोज किस तरह करेंगे? डायग्नोज किस तरह करेंगे, उसमें यह है कि असल मसला जो है वो ये होता है कि वो मरीज़ को जो अलामात हैं, जो मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल किया जाए। जी जी जी,
محض یہ کہ یہ ڈائگنوسس کرنا کہ کسی کا پروسٹیٹ انلارج ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علاج کی بھی ضرورت ہے. اچھا اچھا. تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے دنیا کی آدھی پاپولیشن مردوں پر مشتمل ہے, اگر دنیا کی آدھی پاپولیشن کو صرف یہی پرابلم ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ یہاں پہ یورولوجسٹ جو ہیں وہ ان کے پاس جو ہے سانس لینے کا وقت نہیں ہوگا, سر کو جانا تو دور کی بات. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کا جو ہے ایک ہی طرح پروسٹیٹ انلارج ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پروسٹیٹ انلارج بھی ہو جاتے ہیں ان سب کو سمپٹمس نہیں ہوتے. اچھا 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 اچھا. تو جن کو سمپٹمس نہیں ہوتے, جن کو یہ پرابلم نہیں ہوتی, ان کا پروسٹیٹ انلارج ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. رائٹ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پروسٹیٹ زیادہ انلارج نہ بھی ہو مگر یہ کہ سمپٹمس ان کو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. رائٹ. تو بنیادی طور پہ علاج جو ہے وہ پروسٹیٹ کے سائز کا نہیں ہوگا بلکہ ان علامات کا ہوگا, ان پرابلمس کا ہوگا جو پیشنٹ کو ہو رہی ہیں اس کے بڑھنے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے جی جی. اب اس کے ڈائگنوسس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سرجن آپ کا معائنہ کرے گا, اس کے پروسٹیٹ کے سائز کو اسیس کرے گا. دوسرا یہ کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم فلوریٹ ہیں. جی جی. وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی آسانی سے یا مشکل سے پیشاب کر سکتے ہیں. جی جی. اور اس میں پھر ہم اس کے بعد ایک اسکین بھی کرتے ہیں, الٹراساؤنڈ جس سے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد کتنا پیشاب باقی رہ گیا ہے. اچھا اچھا. اس کے علاوہ یہ کہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کڈنی فنکشن ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس صورتحال میں ہے, کہ اس کا کوئی پریشر پیچھے تو نہیں ہے اس کی وجہ سے رینل کڈنیز تو افیکٹ نہیں ہو رہا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. جی جی. تو یہ بنیادی طور پہ وہ ہوتے ہیں. اور جب یہ کہ یہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں. رائٹ. جی جی. ناظرین, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جس کا پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے تو اس کا جو نا علاج بھی فوراً کیا جائے. ٹھیک ہے. کہ جو اس کی جو علامات ہیں اور وہ کس طرح افیکٹ کر رہی ہیں پیشنٹ کو, پھر اس کو مد نظر رکھ کے جو نا وہ ٹریٹمنٹ کی طرف جایا جاتا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر ایک آدمی کو, اگر کسی ضروری نہیں کہ اگر آدھی پاپولیشن دنیا کی مردوں پر مشتمل ہے تو ہر ایک کو جو نا وہ پروسٹیٹ اس کا بڑھ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کسی کا بڑھ بھی گیا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں سائن اور سمپٹم جو نا اتنے سویئر ہوں کہ ان کا فوراً علاج کیا جائے. لیکن اگر پھر بھی کسی کو ہو جائے تو یہ بہتر ہے کہ آپ جو نا اپنے جی پی کے پاس جائیں, پھر وہ آپ کو یورولوجسٹ کے پاس ریفر کرے تاکہ آپ کا ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے, پتہ چل جائے, پھر وہ اگر ٹریٹمنٹ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر اینولی جو نا آپ کا وہ چیک اپ کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بالفرض اگر کسی کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے کیا ہم کریں گے؟ پہلے جو نا کیا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کا, کہ یہاں سیدھا ہی جو نا چلو جی تھیٹر میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں؟ یہ کائنڈلی اس کے اوپر جو نام بتائیے گا. اور دوسرا ایک اور سوال جو مجھے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ اس سے جو مردانگی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے اگر کسی کو جو نا وہ پروسٹیٹ بڑھ جائے تو؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی. پروسٹیٹ کے انلارجمنٹ سے جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ہوتا. امپورٹنس ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک. بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اس میں کافی یعنی یہ کہ یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہے رادر دین پروسٹیٹ انلارجمنٹ کی. مگر یہ کہ پروسٹیٹ انلارجمنٹ پر سے ایز سچ از ناٹ دا کاز فار دی امپورٹنس. اس کی سمپٹمس کی وجہ سے کسی حد تک سائیکولوجیکل ہو جاتا ہے. رائٹ. اچھا, اب سوال یہ کہ علاج کس کا کرنا ہے. جی جی. علاج تو صرف انہی کا ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس پرابلم کی وجہ سے جو ہے بادرنس ہو رہی ہے ان کو, یعنی یہ کہ کوالٹی آف لائف ان کی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. جی جی. تو ان کو علاج کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ کہ ہم نارملی ایسے دوائیں استعمال کرتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پروسٹیٹ اور بلیڈر نیک ایریا کو جو ہے وہ ریلیکس کر دے. رائٹ. اور تاکہ پیشاب جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. رائٹ. یہ پہلا یعنی یہ کہ وہ ہوتا ہے اسٹیپ ٹو مینیجنگ دی سمپٹمز. اور یوزولی یہ کہ یہ خاصا افیکٹو ہوتا ہے.
अच्छा अच्छा काफ़ी लोगों में जो है ख़ास तौर से यंग लोगों में जो है इससे आगे बात नहीं जाती, लेकिन ये कि कुछ लोगों में जिनका नॉर्मली प्रोस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और उनके सिम्टम्स जो हैं इस ऐसी दवाओं से जो है वो बेहतर ना हो रहे हों, तो फिर हम उनको ऐसी दवाएं भी देते हैं जिनसे वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो श्रिंक हो जाता है, अच्छा पड़ जाता है। ये दवाएं यूजुअली हम कम उम्र लोगों को नहीं देते, इसलिए कि उसके जो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छा, अच्छा उसमें इम्पोटेंस हो सकती है कभी कभार, बहुत रेयरली अगर ये कि ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करें तो उसमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकता है। अच्छा अच्छा तो नॉर्मली ये होता है कि ये वो दवा जिससे जो प्रोस्टेट श्रिंक होता है, क्योंकि एंटी टेस्टोस्टेरोन होती है, वो हम यंग लोगों में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये कि 65-70s में जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट, तो ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो दोनों दवाइयाँ, एक जो उसको मसल्स को रिलैक्स करती हैं और एक जो साइज़ को कम किया, कम्बिनेशन में भी यूज़ की जा सकती हैं? ये कम्बिनेशन में भी यूज़ होते हैं और सेपरेटली भी, सेपरेटली भी यूज़ होती हैं। इसकी तरजीह ये होती है कि जो एंटी टेस्टोस्टेरोन टैबलेट है वो ना दी जाए जब तक मुमकिन हो, जब तक मुमकिन हो, राइट, उसकी वजह मैंने बताई दी कि वो उसके साइड इफेक्ट में, हाँ यंग लोगों में नहीं देते। और ये कि ये प्रॉब्लम जो है वो ज़ाहिर है कि यंग लोगों से भी शुरू हो सकती है, आई मीन आई हैव सीन पेशेंट एज यंग एज 45, और ये कि कुछ लोग जो हैं उनको 50s में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पर्टिकुलरली लेट 50s में, कुछ को जो है वो 60s में होती है, कुछ को जाके 70s में होती है, तो वो उस पर मुनहसर है कि वो आपको कब हो रही है और कितनी हो रही है, तो उसी हिसाब से जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही लकड़ी से हाथ में लगे सही है, ठीक है, तो वो ये कि इट हैज़ टू बी इंडिविजुअली टेलर्ड, इंडिविजुअल। जी शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपका कोई भी सवाल हो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, या किडनीज के बारे में, ब्लेडर के बारे में, तो आप जो ना हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि हर एक पेशेंट जो ना वो एक इंडिविजुअल पेशेंट होता है, और जो ट्रीटमेंट भी होता है ना उसी के हिसाब से जो ना वो उसको जो ना वो टेलर किया जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो ना हर पेशेंट को जो ना एक ही तरह की दवाई आप दे दें, किसी पेशेंट में जो ना आप ऐसी दवाई देंगे जो सिर्फ मसल को रिलैक्स करेंगी, और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ज़रूरी है कि उनके साइज़ को भी श्रिंक किया जाए, उसके लिए एक डिफरेंट मेडिकेशन होती है, और कुछ लोगों में वो दवाइयाँ एज ए कम्बिनेशन भी यूज़ की जा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए काइंडली कि ये कितनी देर तक जो ना ये हम ये चला सकते हैं इसका, पेशेंट जो ना वो मेडिकेशन पर ही रहे, कि ये भी डिफरेंट करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट? बिल्कुल, वो उसमें ये कि आप किसी इंडिविजुअल के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये है कि कुछ लोगों में ये बड़ी कारामद होती है और बरसों उस पर रहते हैं, उसको उनको कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं होती। राइट, कुछ लोगों को बिल्कुल शुरू से काम ही नहीं करती। राइट, कुछ लोगों में यह है कि कुछ अरसे तक काम करेगी और उसके बाद काम नहीं करेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ रिस्पॉन्स होता है। डॉक्टर साहब, हम इधर से जारी करेंगे, ये कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं एक मरीज बात करती हूँ आपसे। जी मेरी बहन बोलिए, कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी जी, मुझे पेशाब के प्रॉब्लम है, मुझे बावल्स के प्रॉब्लम है, मुझे कैंसर भी है। जी जी, अच्छा ये पेशाब का प्रॉब्लम बताएं, वो कौन सा प्रॉब्लम है? सॉरी, पेशाब का आपका कौन सा प्रॉब्लम है? हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं ये स्पेशलिस्ट हैं इस बारे में, आप जी 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 बोलिए। मैं पूरा पेशाब नहीं करती जैसे करती थी पहले से। जी जी, वो बहुत ड्रिप ड्रिप आती है। जी जी, हाँ ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपको कैंसर किस चीज का था मेरी बहन? मेरा मुझे अब्डोमिनल कैंसर है। अब्डोमिनल कैंसर जी, ट्यूमर है, कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है। और ये आपको पेशाब का प्रॉब्लम ट्यूमर के बाद हुआ है कि पहले से हो रहा है? नहीं, अभी काफी काफी साल से हो रही है मुझे तो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको पूछना चाहेंगे एज, आपकी उम्र कितनी है मेरी बहन? 76। ठीक है मेरी बहन,
जी, और अभी मुझे वो बावल के प्रॉब्लम हो गया है 3-4 महीना से। ठीक ठीक। अच्छा तो आपका वो जो कार्सिनाइड ट्यूमर था उसका इलाज हो गया? वो था, वो ऑपरेशन किया था, वो क्या बोलती है, कीमोथेरेपी करी थी, रेडियोथेरेपी करती थी, अभी तक तो, अभी नेक्स्ट मंथ के अपॉइंटमेंट में जाती है, अभी सीटी स्कैन किया है लास्ट वीक का। ठीक ठीक है मेरी बहन, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जवाब सुनिएगा जी डॉक्टर। अच्छा, ऐसा है कि इनके खातून का पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहूँगा कि इनको कब्ज़ तो नहीं रहता, क्योंकि कब्ज़ जो जिन लोगों को होता है उनमें नॉर्मली ये होता है कि पेशाब करने में जो है डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, और ख़ास तौर से जो है वो एल्डरली पेशेंट ग्रुप में, इनकी इनकी उम्र जो है उन्होंने 76 बताई है। 76 एज में जो है दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये कि हो सकता है कि इनके पेशाब की नाली जो है वो बहुत तंग हो गई हो तो उसको चौड़ा करने की ज़रूरत हो, या दूसरे ये हो सकता है कि इनका मसाना जो है वो अब ये कि कमज़ोर हो गया कमज़ोर हो गया। अच्छा, और अच्छा, अच्छा, ना हो एज की वजह से कि वो पूरी तरह पेशाब कर सकें और आसानी से कर सकें, तो इनको चाहिए कि ये अपने जीपी से बात करें जी जी। और ये कि किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इसको सॉर्ट आउट कराएं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत से जवाब दिया। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह डॉक्टर साहब ने खूबसूरती से हमें सबसे पहले बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है, किस एज से ये फंक्शनल हो जाता है और इसका काम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ना ये जब जो हम बड़े होते जाते हैं फिर कुछ लोगों में इसके जो ना 40 के बाद जो ना इसके जो ना वो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर जब ये कुछ लोगों में हर एक मर्द में तो ये बढ़ना नहीं शुरू होगा, अगर बढ़ भी गया है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें भी साइन और सिम्टम आ जाएँ, और अगर किसी में साइन सिम्टम आ भी गए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए जनाब डायग्नोस जब हो जाता है तो फिर उसके अलावा जनाब अल्लाह कुछ मेडिकल मेडिकेशन है उनके ऊपर जो ना काफ़ी देर जो ना पेशेंट को जो ना रखा जा सकता है जो कि उसके साइन और सिम्टम को रिलीव करते हैं। प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ जब आएँगे ब्रेक के बाद तो फिर हम आपको बताएँगे कि इसका हम सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। आज का मैं टॉपिक दोबारा दोहराना चाहता हूँ, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेट कैंसर। और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है, इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये किस उम्र से फंक्शनल काम करना शुरू करता है, फिर इसका असल काम क्या है, और फिर किस उम्र में जो ना ये इसका साइज जो ना बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर क्या इसके अलामत होती हैं, इनको डायग्नोज किस तरह करना है, और किसको ट्रीटमेंट देना है, किसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं अभी आपके पास आता हूँ इसके सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है उनकी बात पहले सुन लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डॉक्टर साहब, मैं डायबिटिक हूँ जी जी, और मैं नियरली 80 ईयर ओल्ड हूँ। माशाल्लाह जी जी। मेरे ना किडनी में अब गैसेस हो जाती हैं और मुझे राइट किडनी में दर्द रहता है ऑलवेज, थोड़ा थोड़ा जी जी। ठीक है, और पेशाब भी जो आता है वो थिक हो जाता है। ठीक है, ये बताइए कि पेशाब में खून तो नहीं आता, जलन नहीं, तो नहीं कुछ नहीं, वैसे एवरीथिंग क्लियर है। ठीक, शुगर भी मेरी कंट्रोल है, 32 ईयर से मैं सफर कर रही हूँ इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, एवरीथिंग इज ऑलराइट है। तो आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया किडनी का? सब कुछ करवाया है। तो उसमें भी बिल्कुल ठीक किडनी? बिल्कुल, उन्होंने कहा किडनी स्ट्रॉन्ग है तेरे। अच्छा अच्छा, और मिरेकल वूमेन है तू, पता नहीं क्या क्या वो डॉक्टर कहता रहता है, डायबिटिक सर्जन जो है। ठीक है, तो अब ना मेरे दिल को भी कुछ धक्के लगते हैं, एंड की तरफ तो मैं जा रही हूँ, ये तो मुझे पता है। अल्लाह सुब्हानहू वतआला आपको कहा था जी जी, जिक्र इलाही से दिल को तकवीयत मिलती है, आप कौन सा जिक्र इलाही चाहते हैं करें कोई? जी मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, माशाल्लाह ये अल्लाह वाले डॉक्टर साहब भी हमारे जी। डॉक्टर साहब, जरा आप हमारी बहन को बताइए कि एक तो डायबिटिक है, ठीक है, 32 ईयर से तो अकॉर्डिंग टू हर के डायबिटीज़ तो उनकी कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी इतनी देर तक जाते जाते जो ना थोड़ा बहुत तो किडनी इफेक्ट हो ही जाते हैं, तो आप उनको काइंडली जो ना एडवाइस कीजिए, और जिक्र इलाही भी काइंडली उनको बताइए। जो नहीं, वो जिक्र इलाही तो आप ही बताएंगे। चले आप जी जी। ये जो
उन्होंने जो सिर्फ ये बताया कि पेशाब में तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि किडनीज की तरफ वो दर्द होती है और पेशाब के जो ना वो जो रंगत है ना वो चेंज हो रही है, लेकिन खून नहीं आता। हाँ, मुमकिन है कि इनको पेशाब में इन्फेक्शन्स हो रहे हों और ये खासे फ्रीक्वेंट होते हैं जी जी ख़वातीन में ख़ास तौर से, और उम्र की जो होती हैं पक्की उम्र की ख़वातीन जो होती हैं उनको ज़्यादा होता है कि वो बार बार उनको इन्फेक्शन होते रहते हैं। राइट तो इनको चाहिए कि अपना पेशाब जो है वो टेस्ट करवाएं, और अगर इनको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इनको चाहिए कि वो एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे लें। राइट वैसे ये कि जो किडनी के दर्द है, अगर इनके अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में किडनी की कोई बीमारी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, तो ये उनका दर्द जो है वो मेरे ख्याल से किडनी से नहीं है। जी जी बहुत मुमकिन है कि वो कमर का दर्द हो, जो जाहिर है कि वो कमर का दर्द तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। जी जी बहुत मुमकिन है कि इनको महज कमर का दर्द हो और ये दर्द जो है वो ज़रूरी नहीं कि किडनी की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मेरी बहन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से कहा है कि अगर आप समझते हैं कि ये वाकई किडनी से दर्द आ रहा है तो हो सकता है आपको जो ना कोई यूरिन की इन्फेक्शन हो रही हो, तो आप अपने जीपी से बात करें तो यूरिन टेस्ट करें, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन आती है तो फिर वो अकॉर्डिंगली जो ना उसको जो ना उस हिसाब से जो ना वो ट्रीट करेंगे। और आपने कहा कि आपके जो ना किडनी का अल्ट्रासाउंड हुआ था वो बिल्कुल ठीक है, और बाकी भी आप उन्होंने को टेस्ट किए होंगे वो बिल्कुल ठीक है, तो वो उनको चाहिए कि वो फिर आपको जो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं उनकी तरफ रेफर करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की, हम पहुँचे थे कि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक आदमी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है लेकिन उनके साइन और सिम्टम फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे, या मैं इस सवाल को दूसरी तरह से करता हूँ कि कब जो ना आप किसी पेशेंट को कहते हैं कि आपको जो ना हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है? वो ऐसा है कि सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए हम बहुत कम एडवाइस करते हैं। राइट यूजुअली वो पेशेंट जो है उनको एक तरह से डिमांड करनी पड़ती है कि भाई समथिंग यू नीड टू डू फर्दर। अच्छा लेकिन ये कि हम अपनी तरफ से नहीं कहते कि आप जाके ऑपरेशन करा लें, जब वो कहते हैं कि भाई अब हमारे मामला जो है वो इस काबिल अब हमारे काबू में नहीं रहे, दवाओं से जो है वो इलाज मुमकिन नहीं रहा, तो फिर हम उस वक्त उनको कहते हैं कि आप ये कि सर्जिकली इंटरवेंशन कराएं। Right. उसमें जो सबसे कॉमनली जो ऑपरेशन होता है दुनिया में और यूनाइटेड किंगडम में, उसको ट्रांस यूरीथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। Right. उसमें बुनियादी तौर पे ये होता है कि आप एक मेटालिक ट्यूब जो है वो पेशाब की नाली में डालते हैं, और वो रास्ता जो पेशाब का ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, उसको एक उसमें एक इलेक्ट्रिक लूप से उसको जो है प्रोस्टेट को शेव ऑफ कर देते हैं अंदर से। राइट ये ऑपरेशन आम तौर पे जो है वो आधे घंटे पौने घंटे में होता है, उसके बाद जो है वो आपको एक ट्यूब मसाने में लगी रहती है जिससे जो भी ब्लड आ रहा होता है उसको वॉश किया जाता है। राइट नॉर्मली ये कि आप एक दो दिन अस्पताल में रहते हैं और जब आपका पेशाब बिल्कुल ठीक हो जाता है तो हम वो ट्यूब निकाल देते हैं। वो जो थ्री वे कैथेटर से वो जो कर देते हैं फ्लश वो निकाल देते हैं, और ये कि वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यू आर पासिंग यूरिन राइट, उसके बाद जो है वो हम घर भेज देते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं इधर से कंटिन्यू करूँगा आपसे, जो एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका, कहाँ से फोन कर रहे हैं? मेरा नाम इस्मत है, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन सवाल कीजिए। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो मैंने पहले भी काफी देर हुई एक दफा फोन पर आपसे बात की थी। जी जी तो मैंने ये कहना था कि मेरे पेस मेकर जो है ना वो लगा तकरीबन साल हो जाएगा रमजान शरीफ में। जी जी ये उसके बाद मुझे काफी पल्पिटेशन फिर भी होती थी तो मुझे बीटा ब्लॉकर दी गई। अच्छा क्या लगा? बीटा ब्लॉकर की वो ना डोज बढ़ा रहे हैं यानी कि 5 ml, तो मैं मुझे जरा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैं लूं या ना लूं, तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जरा बता सकते हैं आप? जी मेरी बहन ठीक है, जना भी आपसे बात कर। जी डॉक्टर साहब के पेसमेकर बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो पेसमेकर है तो बीटा ब्लॉकर्स की क्या जरूरत है, पेसमेकर तो टैकीब्रेडी सिंड्रोम होगा ना। अच्छा टैकीब्रेडी सिंड्रोम तो वो उस बारे में मुझे तो खैर कुछ नहीं पता। जी मेरी बहन, मैं थोड़ा सा वो अर्ज करता हूँ, इस तरह है कि वो उन्होंने पेसमेकर आपको लगा दिया, ठीक है, उसके आपकी जो हार्ट रिदम है वो तो वो एक सर्टन लिमिट से कम नहीं जाएगी, ठीक है, जो ही वो कम होने लगेगी तो वो जो ना वो पेसमेकर जो ना टेक ओवर कर लेगा। लेकिन आपने बताया नहीं, अगर आप काइंडली दोबारा फ़ोन करके बता दें कि अगर आपको टैकीब्रेडी सिंड्रोम है जिसमें एक जो ना हार्ट रेट जो ना बहुत कम हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस वजह से उन्होंने आपको अगर बीटा ब्लॉकर दिया तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने आपको बाइसोप्रोलोल दिया, ये वन ऑफ द सेफेस्ट जो ना वो बीटा ब्लॉकर है। लेकिन मैं चूँकि आपकी पूरी हम हिस्ट्री नहीं जानते कि आपको और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जो ना वो रेफ़र कीजिए, ठीक है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट जो ना बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, और वो आपकी डोज को जो ना एडजस्ट करते रहेंगे, वो चेक करते रहेंगे और कोई भी उसके जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो आपको लाजमी बताएंगे जो ना, ठीक है ना मेरी बहन। चूंकि इसका एक साइड इफेक्ट मैं अभी आपको बता देता हूं कि इसकी वजह से हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपकी आपकी जो ना सूरत में चूंकि आपको तो पेसमेकर है ऑलरेडी तो इसमें वो साइड इफेक्ट जो ना वो खत्म हो गया। जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, मैं शुरू करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से फोन कर रहे हैं मेरे भाई? जी मैं स्पॉलन से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है कि जी, जो प्रोस्टेट जो आप टेस्ट वगैरह करते हैं जब ब्लड काउंट करते हैं जी, तो कभी तो वो कहते हैं कि ये साफ 7 पॉइंट है या 8 पॉइंट है या कभी डाउन है, ये इन्फ्लेमेशन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है प्रोस्टेट में उसकी वजह से भी हो सकता है। और मेरे साथ ये है कि उन्होंने मुझे टम सोल्यूशन दी हुई है। अच्छा। वो तो कभी कभार कैसे होता है कि आई मीन यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट और पेशाब के कतरे आ जाते हैं, और हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभार होता है, और कभी कभार ऐसे होता है कि जो अपने है पेनिस में वो ऐसे लगता है जैसे कोई नर्व जैसे होते कभी कभी नर्व की वजह से तो वो पेशाब रुकने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है मेरे भाई, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 55। तो इसके अलावा और कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अलावा? और आप टेम सोल्यूशन कब से ले रहे हैं? तकरीबन 2 साल से मेरे ख्याल में। 2 साल से ले रहे हैं, ठीक है, आप जो ना हमारे साथ रहिएगा। अभी मैं आपके सवाल का जवाब दूं डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ कॉलर है, उनके भी कॉल ले लें, फिर हम दोनों भाइयों को इकट्ठे जवाब दें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब से बात कर रहा था मैं। जी जी बोलिए। जी मैंने ये मालूम करना था कि जब मैं यूरिन पास करता हूँ तो दो दो तीन तीन दफा मुझे जो है वो बैठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। जी जी। और ड्रॉप से होते हैं, फिर जलन सी फील होती है। जी जी। फिर उसके बाद अगर कर भी लो तो होठों पे ऐसा लगता है जैसे अब फिर निकल रही है ना यूरिन। ठीक। तो मैंने वो टेस्ट वगैरह कराए तो ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट तो सारे क्लियर थे, मगर ये है कि ये प्रॉब्लम अभी तक मेरे साथ है। अच्छा अच्छा ठीक। तो इसलिए मैंने पूछना था, मैं वैसे हार्ट पेशेंट भी हूँ। ठीक। बाईपास भी हुआ है, तो ये है कि ये प्रॉब्लम जो मुझे तकरीबन 7-8 महीने से शुरू हो गई है। ठीक। आपकी उम्र कितनी है मेरा भाई? मेरी 61+ है। 61, ठीक है मेरे भाई। ठीक। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया, साथ रहिएगा, मैं आपका जवाब दे रहा। एक और कॉलर हमारे साथ, फिर हम इकट्ठे सबके जो ना फिर जवाब दे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन सवाल कीजिए, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं कह रही हूँ मेरा बेटा है जिसकी उम्र 45 है। जी जी। तो वो उसका जो ब्लैडर ओवर एक्टिव है जी, और सारी रात पेशाब के लिए 5-6 दफा उठता है पेशाब के लिए। ठीक। तो रात सारी जगराता उसका होता है और दिन को भी बड़ी तकलीफ में होता है, परेशान है बेचारा वो। ठीक है मेरी बहन, ये बताया कि कब से उनको वो ये जो ब्लैडर का प्रॉब्लम चल रहा है? ये कोई बहुत साल हो गए हैं जी। ठीक। और इसके अलावा उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कोई 10-15 साल से ये बीमारी है, 15-20 साल से ये बीमारी है, 15 साल से। ठीक है मेरी बहन, हम जो ना अभी 2-3 कॉलर और भी है उनका जवाब देकर तो आपके इस रहता आप प्रोग्राम हमारा सुनते रहे। ठीक जी डॉक्टर साहब। तीन सवाल है कि सबसे पहले ये बताइए कि वो जो भाई ने वो जो मैं PSA के बारे में पूछ रहे थे ना, कि वो उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि वो चेक करते रहते हैं कि कितना है कितना नहीं है, वो जो टम सोल्यूशन ले रहे हैं 2 साल से 55 ईयर ओल्ड, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे?
उन्होंने कहा था कि उनका पी एस ए कोई 7 के करीब है। हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया इसका, उन्होंने कहा वो ब्लड टेस्ट करते हैं, वो बताते रहते हैं कि इतना इतना नहीं, हाँ 7 के करीब। अगर उनका पी एस ए 7 है जी जी, तो उनको फौरी तौर पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एट द एज ऑफ 55 पी एस ए जो है वो 2.5 to 3 होना चाहिए। right. उनका 7 है जी, अगर मैंने यही सुना था कि 7, हाँ उन्होंने 7 ही कहा था, मुझे यही याद पड़ता है जी जी। अगर उनका पी एस ए 7 है तो उनको MRI की ज़रूरत है और उनको पॉसिबली एक बायोप्सी भी की ज़रूरत पड़ सकती है। राइट, वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात ही वो ये कह रहे थे कि वो बावजूद इसके कि वो टेमसोलोसिन ले रहे हैं 2 साल से, जी जी 2 साल से, अभी तक उनके सिम्टम्स जो हैं उनमें कुछ रुका पेशाब में अभी तक रुकावट मौजूद है जी जी। तो इनको जो है फर्दर मेडिसिन की ज़रूरत है, फिनेस्ट्राइड दे सकते हैं जी जी, या फिर ये कि इनको हो सकता है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए। ये तो इवेलुएशन जो इनको यूरोलॉजिस्ट देखेगा वो ही करेगा, मैं यानी ये कि बगैर देखे तो कहना बड़ा मुश्किल। हम तो गाइड कर सकते हैं लेकिन ये कि अच्छा, उसके बाद जो साहब ने फ़ोन किया था जी, वो जो 2-3 दफ़ा जिनको जो ना वो पेशाब के लिए जाना पड़ता है, उनका तो मसला बड़ा सिंपल सा है कि उनको चाहिए कि वो टेमसोलोसिन लें जी जी, उनको इलाज की ज़रूरत है जी, वो उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, उनको चाहिए कि अपने GP के पास जाएं और अपना जो ना ट्रीटमेंट शुरू कराएं, या तो ये कि वो GP खुद ही शुरू कर सकते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर वो शुरू कर देते हैं, या फिर ये कि अगर GP को महसूस हो कि वो नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि उनको यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दें जी। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो मैंने फोन किया था बेटे के लिए, वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम प्रोग्राम मर्दों के लिए कर रहे हैं, खवातीन के फोन ज्यादा। माशाल्लाह, ये हमारे प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी है। अब तक जो है वो सिर्फ 2 मर्द हजरात ने फोन किए, बाकी सारी खवातीन फोन कर रही हैं। खैर, बहरा लिए के बहुत शुक्रिया उनका जो ना के बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मर्दाना इमराज में इतनी दिलचस्पी मर्दों से ज्यादा। बहरहाल, तो ये जो ओवरएक्टिव ब्लैडर, हाँ ओवरएक्टिव ब्लैडर का ये है कि मुझे पता नहीं कि अब तक इन्होंने क्या इलाज कराया है क्या नहीं कराया है, मगर ये कि इसकी दवाएं मौजूद हैं जो जी जी। उनको बतदरीज एक के बाद दूसरी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो एक दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस में भी आती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो उसके बाद फर्दर उसकी इलाज होते हैं, मसलन ये कि बोटॉक्स हम इंजेक्ट करते हैं ब्लैडर में, और ये कि वो क्या कहना चाहिए ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन भी होता है। अच्छा अच्छा, बहुत सारे मॉड्यूलेशन के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं और ये इफेक्टिव हैं सर। आई मीन इट्स नॉट, यानी ये कि यूनिवर्सली तो नहीं होंगे इफेक्टिव, अगर ये कि यूनिवर्सली होते तो वंस फॉर ऑल एक ही इलाज होता उसका, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों में इफेक्टिव होते हैं। right. एक इलाज जो एक शख्स के लिए इफेक्टिव है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अब ये है कि वो देखना पड़ेगा कि इनको इनके लिए कौन सा इलाज मौजूद है, मगर ये कि मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने अब तक कोई इलाज कराया ही नहीं, या अगर कराया भी है तो फिल वक्त उन्होंने हमें नहीं बताया है। जी जी जी, डॉक्टर साहब आपने बड़ी खूबसूरती से ये हमें तीनों हमारे जो व्यूअर्स है कॉलर्स के जो ना जवाब दिए। मैं थोड़ा सा क्विकली इसको ब्रीफ कर देता हूँ ब्रेक पर जाने से पहले, कि हमारे भाई ने जो पहले जिन्होंने फ़ोन किया था, अगर उनका PSA मैं रिपीट कर रहा हूँ वाकया ही 7 है, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको फौरी तौर पर अपने GP के पास जाना चाहिए और फिर उनको जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं उनकी रेफरल लेकर फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑलरेडी वो दवाई तो ले रहे हैं टेमसोलोसिन, अगर उससे उनका वो सिम्टम कंट्रोल नहीं हो सकता तो वो अपने GP से बात कर सकते हैं या कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, ताकि वो अगर कोई दूसरी दवाई जो डॉक्टर साहब पहले फरमा रहे थे वो ऐड करनी है तो वो कर लें। और जो हमारे दूसरे भाई थे जो कह रहे थे कि 2-3 दफ़ा उनको जो ना पेशाब करना पड़ता है, ड्रिबलिंग भी हो जाती है, ठीक है, और उन्होंने बाकी टेस्ट कराए वो ठीक है, लेकिन उनको तो जो ना लगता है कि उनकी एज भी 61+ है, कोई जो ना वो मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और हमारी बहन ने जो सवाल किया था अपने बेटे के लिए कि उनका जो नाम इज़ 45 और उनका काफ़ी सालों से, उन्होंने तकरीबन कहा कि 15 साल से उनका ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो
तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा जो ना वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आप मेडिकेशन ट्राई कर सकते, कर सकते हैं, दूसरी कर सकते हैं, कम्बिनेशन में कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो ना ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर जो एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब होते हैं उस स्पेशल फील्ड के, उनके तरफ जो ना रुजू करें। डॉक्टर साहब अभी हमने जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने अभी तो हमारा वो ट्रीटमेंट जो ना वो मुकम्मल नहीं हुआ जो ना बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का के लिए, ठीक है। और दूसरा जो ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ना वो हमने प्रोस्टेट कैंसर का के बारे में पढ़ना है। जी नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपका कोई भी सवाल हो किडनीज के बारे में हो, ब्लैडर के बारे में हो, जिस तरह हमारी बहन ने फ़ोन किया ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में हो, ठीक है, प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में हो, या प्रोस्टेट कैंसर जो कि हम बहुत जल्दी जो ना वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए ये पता चल जाए कि ये होता क्या है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया, आप वो बता रहे थे प्रोस्टेट जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो मेडिकल मैनेजमेंट के बाद जब सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में आप ज़रा बताएं कि कितनी मोडालिटीज़ हमारे पास हैं, उसके अलावा जो आपने बताया कि जो ना वो ट्रांस यूरिथ्रल वो जो कैमरा डाल के उसका उसको जो ना कट किया जाता है। हाँ, उसमें ये कि जो ट्रांस यूरिथ्रल ऑपरेशन हैं उसमें भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं। राइट, उसमें एक तो ये कि वो ट्रांस यूरिथ्रल यूनिक्लिएशन किया जाता है, पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल लिया जाता है, जिसको ट्यूलिप कहते हैं। जी जी। इसके अलावा सिर्फ उसका लेज़र से भी उसको बर्न ऑफ किया जा सकता है, जिसको ट्रांस यूरिथ्रल लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। राइट, तो इस किस्म की दो तीन ये मोडालिटीज़ अभी भी दे आर वर्किंग। एक तो ये कि ट्रांस यूरिथ्रल लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी भी हो रही है, ट्रांस यूरिथ्रल लेज़र इन्यूक्लिएशन भी हो रहा है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट भी हो रहा है। तो जिसको TURP कहते हैं, स्टिल द मोस्ट कॉमन, स्टिल द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, मैं इधर से कंटिन्यू करूंगा, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक हमारे साथ कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे जनाब डॉक्टर साहब से बात करनी जी है। जी बोलिए जनाब, कहाँ से फोन करें, क्या नाम है? जनाब चौधरी रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ और लंदन से ही बोल रहा हूँ। जी चौधरी साहब, पूछिए सवाल। सवाल जनाब ये है मेरा कि मेरी एज 60 हो गई है। 60, ठीक है। 64. हाँ जी, और परेशान में वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, मैं GP के पास गया था। जी जी। और उन्होंने वो टेम्सोलिन कैप्सूल दिए थे, कुछ देर के बाद वो बस ठीक भी हो गया, वो बंद भी कर दिए। अब कोई प्रॉब्लम तो इतना खास नहीं है, लेकिन अभी कभी कभी हफ्ते में एक दो दफा जो है ना मुझे पेशाब जो है जोर से करना पड़ता है। राइट, बाकी आम इलाज में तो ठीक रहता है, रात को उठने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो ड्रॉपिंग जिसको पता नहीं ट्रिमलिंग क्या कहते हैं, कभी कभी एहसास होता है कि शायद कतरे निकल रहे हैं। ठीक है, अभी किसी ट्रीटमेंट पे नहीं हूँ, मेरा वो PSA भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। वेरी गुड। टेमसोलिन शुरू किए थे, कुछ देर दो तीन महीने के बाद बंद करा दिए, मुझे लगता था कि मुझे सूट भी नहीं है और मैं ठीक ही हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अभी कभी कभार हफ्ते में एक दो दफा मुझे लगता है कि पेशाब सही नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। ठीक ठीक, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खून तो नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं पेशाब का। जी चौधरी साहब, अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आप हमारा सवाल जवाब सुन। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने टेम्सोलिन भी बंद कर दो तीन महीने से बंद कर दिया। डॉक्टर साहब मैं इधर से कंटिन्यू करूँ, सॉरी एक और कॉलर है उनको भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दे सका। जी जी। जब आप डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, मेरा MRI भी हुआ है। अच्छा, और अच्छा। उसके बाद बायोप्सी भी ली थी। जी जी। तो जब बायोप्सी का रिजल्ट आया तो उसने बोला था क्रोनिक इन्फॉर्मेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और उस वक्त उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं नेफ्रोप्सी, वो नेफ्रोप्सिन, सॉरी नेफ्रोप्सिन, ठीक है, 500 mg की नेफ्रोक्सिन दी थी इन्फॉर्मेशन, क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये मुझे टेम्सोलिन पर डाल देंगे,
तो अभी वो मेरा पीरियोडिकली वो चेक करते रहते हैं एवरी सिक्स मंथ ही ऐसे। ठीक, तो ये काइंडली बताइएगा कि आपका पीएसए 7.7 था या 7.5? हाँ, पहले तो मेरा था, जब मैं पहले गया था ना उनके पास जी जी, तो वो कह रहे थे कि 6 समथिंग है। ठीक, फिर उसके बाद गए तो वो कहने लगे 7, और उसके बाद जब मैं ये लेटेस्ट गया हूँ तो वो कह लेते हैं कि ये 8 समथिंग पे है। अच्छा, तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, वो कह रहे थे कि हम आपके मॉनिटर करते रहेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया, मैं आते हैं आप, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कॉल की, यही डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दिए। जी डॉक्टर साहब, पहले ये भाई का जवाब दे दे फिर वो। हाँ, ये बहुत अच्छा किया कि आपने दोबारा फोन कर दिया, और ये कि वेरी गुड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इससे ये कि बात वाजे हो गई। अगर आपको वो बायोप्सी हो चुकी है और उसमें ये कि सिर्फ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आया, तो फिलहाल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कि सिवाय इसके कि आपको अपना पीएसए मॉनिटर कराना है। हाँ, अलबत्ता अगर ये मुसलसल बढ़ता ही रहे, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले 6 था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, जी जी, तो मेरे ख्याल से एक साल के बाद आप एक दफ़ा फिर अपना एमआरआई करवा लीजिएगा। अगर एमआरआई में ये सजेशन हो कि कोई कैंसर का ख़तरा है, तो फिर शायद दोबारा बायोप्सी करवा लीजिएगा। लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके यूरोलॉजिस्ट को डिसाइड करनी है। मैं क्योंकि पूरी तरह आपको जब तक मैं देखूं नहीं, जब तक आपको यानी ये कि एग्ज़ामिन नहीं करूं, उस वक्त तक कोई हतमी राय तो नहीं दे सकता। मगर ये कि बहरहाल ये ज़रूर है कि जिन लोगों का पीएसए मुसलसल बढ़ता जाता है, उनको दोबारा एमआरआई की और दोबारा बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, वो चौधरी साहब ने जो सवाल किया था, वो 64, तो उनको जो ना पहले वो साइन सिम्टम शुरू हुए, फिर उन्होंने टेम्सोलोसिन शुरू की, तो फिर उन्होंने बंद करवा दी, अब दोबारा फिर उनके जो ना इस तरह उसमें, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि वो इसका इलाज जो है वो सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब कोई प्रॉब्लम हो। अगर चौधरी साहब की प्रॉब्लम बहुत मामूली सी है कि हफ्ते में एक दफ़ा कभी उनको स्ट्रेन करना पड़ता है, तो कोई ज़रूरत नहीं उनको कोई दवा इस्तेमाल करने की। राइट। लेकिन ये कि उनको अगर ये रोज़ाना हो रहा है, मुस्तकिल हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से टेम्सोलोसिन लेना चाहिए, देना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने हमें फ़ोन करके पूरी इन्फॉर्मेशन दी, और डॉक्टर साहब ने आपको पहले जवाब में भी यही कहा था कि आपका एमआरआई होना चाहिए और बायोप्सी होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपने करवा ली, और आपका चूँकि पीएसए जो ना वो उसका ट्रेंड जो ना ऊपर की तरफ है, तो आप रेगुलरली जो ना अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ इन टच रहें, तो वो अकॉर्डिंगली जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, हर एक हॉस्पिटल के वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उसके हिसाब से आपकी जो ना वो मॉनिटर करते रहेंगे। चौधरी साहब, आपने भी सुन लिया कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आपको जो ना अगर तो ये वाकई जो ना ऐसे साइन सिम्टम आपको जो ना प्रॉब्लम हो रही है आपकी डेली एक्टिविटी में आप समझते हैं, तो फिर आप अपने जीपी से रब्ता करें, तो वो हो सकता है आपकी टेम्सोलोसिन दोबारा शुरू कर सके। सॉरी डॉक्टर साहब, दोबारा आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ क्विकली जो ना, क्योंकि अभी हमने जो ना वो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरे ख्याल से इसको ट्रीटमेंट को अब यहीं छोड़ दें। अच्छा। सिर्फ ये इतना और कह दूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोस्टेट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो ट्रांस यूरीथ्रली उसको नहीं निकाला जा सकता, तो फिर ओपन करके ऑपरेशन करके ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये उसकी डिटेल में जाने की, अब इसके कॉम्प्लिकेशन को क्विकली बता दीजिए जो ना, अगर कोई हो सकते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन जब आपने निकाल दिया किसी का प्रोस्टेट, तो कभी समबडी 60 इयर्स ओल्ड तो उसका प्रोस्टेट आप निकाल दिए, तो उसमें ऐसा है कि कॉम्प्लिकेशंस तो इन्फेक्शन से शुरू होती है, ब्लीडिंग से शुरू होती है। इसके अलावा ये कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो सकते हैं लॉन्ग रन में, ब्लैडर नेक स्टेनोसिस हो सकता है, और तकरीबन 10% लोगों में 5-10 साल में जो है वो दोबारा रीग्रोथ भी हो सकता है। रीग्रोथ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका फिर अगर रीग्रोथ होगा फिर उसी लिहाज से फिर हम वो मेडिकल मैनेजमेंट और वजन। जी नाजरीन, आपने सुना कि इस टॉपिक को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को जो गदूद होती है, जो नेक ऑफ ब्लैडर जो मसाना हमारा उधर से जो ना किस तरह जो ना वो उसका साइज़ बढ़ जाता है, फिर किस तरह उसके जो ना अलामत होती हैं, किस तरह डायग्नोज किया जाता है, और फिर डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत से बताया कि उसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम दूसरे नाजरीन आप हमारे साथ रहेगा, हमारा नंबर जो ना स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर कोई भी आपका सवाल हो, खासकर जो ना बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में हो, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जो कि हम बहुत शॉर्टली जो ना डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, फिर हम शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से फोन कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजिया है, मैं बारती से फोन कर रही हूँ। जी जी जी, सवाल कीजिए। मेरे को है ना डायबिटीज 20 साल से है। 20 साल से? जी जी।
वो मेरा वेट बहुत बड़ा है जी जी, तो मेरे को ब्रेन ट्यूमर है जी जी, तो वो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी शुगर अंडर कंट्रोल आएंगे और वेट लॉस करेंगे तो फिर तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये बताइए आप डायबिटीज के लिए इंसुलिन लेती हैं क्या टैबलेट्स? इंसुलिन 3 times। ठीक है, ये काइंडली आप बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? जी एज कितनी है आपकी उम्र? मेरी 61। तो कोई आपकी वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और को आपको कोई दिल का प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? नहीं, ऐसे तो सब कुछ ठीक है बेटा। ठीक है ठीक है, तो आप इसके लिए कुछ क्या कर रहे हैं अपना वजन को कम करने के लिए? या मैं डाइट करती हूँ। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब से अभी हम पूछते हैं जनाब, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। जी डॉक्टर साहब, आपने काइंडली हमें ये बताना है कि एक तो हमारी बहन को डायबिटीज़ है, ठीक है, उसके लिए वो इंसुलिन है, वेट भी उनका बीएमआई भी ज़्यादा है और ब्रेन ट्यूमर है। मुझसे ब्रेन ट्यूमर का जी, आप कैसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपने पूछा, आप हमारे ऑलराउंडर डॉक्टर हैं, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, सीधी सी बात है, आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को यहाँ बिठाएं, उनसे पूछिए, मैं क्या बता सकता हूँ। जी मेरी बहन, ये डॉक्टर साहब बहुत शर्मा रहे हैं, इनको पता है, लेकिन सबसे जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जो ना प्रोस्टेट के बारे में, ठीक है ना, और प्रोस्टेट का कैंसर भी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना हम आपको कह सकते हैं कि आपकी शुगर जो ना वो वाकई जो ना वो कंट्रोल होनी चाहिए फिर, ठीक है, आपका जो ना वो वेट जो ना उसको जो ना एक वो सर्टेन लिमिट के अंदर होना चाहिए, तो उसके बाद फिर जो ना वो आपका जो ना ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करें, लेकिन इसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं ना वो वही हैं जो ब्रेन के जो ट्यूमर को सर्जरी करते हैं। आप काइंडली अपने जीपी को कहकर आप उनके साथ बात कीजिए, तो वो आपको बताएंगे जिस तरह वो कहते हैं कि आपने वेट कम करना उस तरह वेट कम कीजिए, अपनी शुगर को जो ना बाकायदगी से चेकअप करवाइए और रेगुलरली इंसुलिन लेते रहिए। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। जी डॉक्टर साहब, हमारा टॉपिक रह जाएगा, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। सर ये बताइए कि जो ना हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमें बताइए। कितने मिनट बाकी? 4 मिनट हमारे पास बाकी। 4 मिनट में क्या होगा? आपने सारा ये बताइए कि ये प्रोस्टेट कैंसर होता क्या और ये कितना कॉमन है? अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर ऐसा है कि मैं एक बाकी सारी दुनिया की तो एपिडेमियोलॉजी नहीं बता सकता, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 10,000 डेथ्स पर ईयर प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होती हैं। प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन में होता है, 70+ में, लेकिन ये कि कम उम्र लोगों में भी हो सकता है, 50 साल की उम्र में भी देखा जा सकता है और 55 साल की उम्र यूजुअली जो है वो 50 साल से कम की उम्र जो है उसमें बहुत ही ये कि अनहर्ड ऑफ है, नॉर्मली 50 साल से ज़्यादा की उम्र में लोगों को होता है। प्रोस्टेट कैंसर के अलामात जो हैं, वैसे ये मैं एक जनरल सी बात बता दूं कि कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जिसकी अपनी कोई खुसूसी अलामात हो। राइट, तमाम कैंसर जो हैं उनकी अलामात या ये कि उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो वही होते हैं जो बाकी दूसरी कॉमन बीमारियों के होते हैं। कॉमन बीमारी के, इसीलिए इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर के जो यूजुअली सिम्टम्स होते हैं वो वही होते हैं जो कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में होते हैं। राइट, तो यही है कि किसी को पेशाब में रुकावट पैदा हो जाती है, किसी को पेशाब बार बार आने लगता है, किसी को यह कि महसूस होता है कि पेशाब जो है वो पूरी तरह उससे मसाना खाली नहीं होता। राइट जी डॉक्टर साहब, काइंडली जो ना एक बहुत कॉमन सवाल जो ना वो पूछते हैं, आई नो कि जो ना मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसको PSA और उसका और जो ना प्रोस्टेट कैंसर का आपस में क्या ताल्लुक है, ये काइंडली बता दें। उसका ताल्लुक बड़ा सीधा सा है कि PSA एक प्रोटीन होती है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक प्रोटीन होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलती है जी, जी। और बाकी जिस्म के किसी हिस्से से नहीं निकलती जी जी, और ये कि इसकी एक एज रिलेटेड नॉर्मल रेंज होती है जी जी। ये प्रोस्टेट PSA जो है ये 4-5 कंडीशंस में जो है वो बढ़ जाता है जी जी। एक ये कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो UTI में जी जी, दूसरे ये कि प्रोस्टेटाइटिस हो, प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो किसी वजह से भी, तीसरे ये कि बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो,
جی جی چوتھے یہ کہ کینسر ہو جی جی اب اگر آپ اس کو ایکولی ان چاروں پہ ڈیوائڈ کریں جی جی تو اگر کسی کا پی ایس اے ریزڈ ہے تو کم سے کم 25% تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کا پروسٹیٹ کینسر ہے جی جی لیکن یہ کہ جیسے ہی پروسٹیٹ پی ایس اے انکریز ہو اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ 75-80% اس بات کا امکان ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے ہو کسی اور وجہ سے جی جی یوزولی یورین ٹریکٹ انفیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے اور کافی زیادہ ریز ہو سکتا ہے یا یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ کسی کو بینائن انلارجمنٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہ اگر کسی کو پروسٹیٹائٹس کرونک یا ایکیوٹ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ چیز بنیادی طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور اسی کی یعنی یہ کہ اسی کو بنیاد بنا کے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اگر آپ کا پی ایس اے ایج رینج کے حساب سے بڑھا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جی پی سے کہہ کے جو ہے اپنے آپ کو ایک یورولوجسٹ کو ریفر کروائیں جی جی جو یوزولی یہ کہ 2 week ویٹنگ سسٹم پہ ہوتا ہے یعنی یہ کہ اگر آپ کا جی پی آپ کو ریفر کرتا ہے تو یو ول سی یورولوجسٹ ود ان ٹو ویکس رائٹ اس میں ایک اور جب آپ یورولوجسٹ کو ملتے ہیں تو ایک اور فیکٹر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یورولوجسٹ آپ کا پروسٹیٹ ایگزامن کرتا ہے رائٹ اور وہ فردر یعنی یہ کہ یا تو اس سسپیشن کو مزید تقویت دیتا ہے یا پھر یہ کہ وہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے رائٹ ڈپینڈنگ کہ وہ کیا ان کی فائنڈنگ ہے کیا ان کی فائنڈنگ ہے دوسری چیز اس کے بعد جو کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دیر از اے سفیشنٹ سسپیشن آف دا پروسٹیٹ میلیگننسی تو پھر اس کے لیے جو ہے ایم آر آئی کروانا ہوتا ہے ایم آر آئی سے ایک تو یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی سسپیشن کتنا اس سے کو ریلیٹ کرتا ہے ایم آر آئی کی فائنڈنگ سے اور ناٹ اور دوسرے یہ کہ جسٹ ان کیس اگر وہ واقعی ہے اور وہ ڈائگنوز ہو جائے بایوپسی کے بعد تو وہ آپ کو اسٹیجنگ میں بھی مدد ملتی ہے جی ڈاکٹر صاحب سوری چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے کہ اگر کسی کو ڈائگنوز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور میڈیکلی فٹ ہے پیشنٹ تو پھر اس کے لیے سرجیکل انٹروینشن از دا اس کے لیے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا پروسٹیٹ کینسر کا گریڈ کیا ہے اس کا اسٹیج کیا ہے پیشنٹ کی ایج کیا ہے پیشنٹ کی جنرل کنڈیشن کیسی ہے وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ اس کو ایک یا دوسرا ٹریٹمنٹ دیا جا سکے اگر وہ یہ کہ اس قابل ہے کہ اس کو سرجری کی جائے تو سرجری بھی کی جا سکتی ہے یا یہ کہ اگر اس کو یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ سرجری نہ کی جائے تو اس کو ریڈیو تھراپی بھی دی جا سکتی ہے اور اگر اس کا یعنی یہ کہ کینسر بہت چھوٹا سا ہے اور لو گریڈ کینسر ہے تو اس کو انڈر آبزرویشن بھی رکھا جا سکتا ہے جس کو ایکٹیو سرویلنس کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جو نا اپنا ٹائم نکالا اور آپ جو نا تشریف لائے ابھی ایم ریئلی سوری کہ وہ ابھی ہم پروسٹیٹ کینسر کو فلی وہ جو نا ڈسکس نہیں کر سکے انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں کریں گے جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ جو پروسٹیٹ گلینڈ کیا ہوتا ہے میں بار بار رپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور یہ کب فنکشنل ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اور کس عمر میں یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو نا وہ جو علامات ہوتی ہیں ان کو کیسے پتہ چلنا ہے پھر ڈائگنوز کس طرح کرنا ہے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کرنا ہے جملہ کہہ دوں جی جی جو کوئی بڑی وہ غلط فہمی ہے لوگوں کو وہ یہ کہ بی پی ایچ یا بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا جو ہے ایونچولی کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اچھا یہ اس سے کوئی تعلق نہیں خوبصورت بات کی ہے کہ جو اگر وہ کسی وجہ سے بڑھ گیا گلینڈ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کینسر میں بدل ایسا کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم اس کو جو نا نیکسٹ ویک پھر کنٹینیو کریں گے اور سب سے ضروری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یکم مئی سے ہمارا چینل جو نا وہ اسکائی 766 پر جو نا وہ شفٹ ہو رہا ہے یکم مئی سے ہمارا جو چینل ہے جو وہ اسکائی 766 پر شفٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں یہ ہمارا پروگرام صحت ہے زندگی رپیٹ بھی کیا جاتا ہے اور بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب فیس بک کے اوپر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں بہت شکریہ